नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लस पे। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट में, और कुछ सब्जेक्ट्स का भी एग्जाम डेट चेंज हो चुका है। क्या है बड़ा बदलाव? तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख पाएंगे यहां पर, पहला चरण में जो आपका एग्जाम होना था वहां पर पहले 7 विषयों के लिए एग्जाम होना था, अब ये 8 विषयों के लिए हो रहा है। साथ में ग्रंथपाल क्रीडा ऑफिसर सेम ही है, 28 जनवरी ही इसकी एग्जाम डेट है, लेकिन सब्जेक्ट में बदलाव आ चुका है। जैसे कि आप देख पाएंगे, पहले यहां पर अर्थशास्त्र का भी एग्जाम होना था, अब अर्थशास्त्र का एग्जाम यहां पे पहले चरण में नहीं होगा। तो जो अर्थशास्त्र वाले हैं उनका पहले चरण में एग्जाम नहीं है, 28 जनवरी को इनका एग्जाम नहीं है। 2 सब्जेक्ट उसके जगह नए आ गए भैया, इतिहास और गृह विज्ञान। जी हाँ, इतिहास और गृह विज्ञान, हिस्ट्री और होम साइंस यहाँ पर नए आ गए हैं भैया। तो जो बच्चे सोच के बैठे थे जिनका होम साइंस है और हिस्ट्री है बाद में होगा एग्जाम, तो ऐसा नहीं है, डेट चेंज हो चुकी है। अब आपका एग्जाम 28 जनवरी को होगा, लेकिन जो अर्थशास्त्र के छात्र हैं उनका एग्जाम अब अगले सेकेंड चरण में होगा। और बदलाव क्या है? तो दूसरा बदलाव ये है कि भाई, जो सेकेंड चरण की एग्जाम डेट थी, जी हाँ, जहां पर आपका बेसिकली सेकेंड चरण में 9 विषयों पर एग्जाम होना था, अब यहां पर 8 विषयों पर एग्जाम होगा, क्योंकि इतिहास और होम साइंस जो है अब वो 28 जनवरी को होंगे। दूसरा बड़ा बदलाव है, 26 मई पहले डेट दे रखी थी, जो कि यूपीएससी से क्या हो रही थी आपकी, साथ में हो रहा था यूपीएससी का एग्जाम भी, तो उसको बदल के अब ये 2 जून कर दिया गया है। 2 जून को अब एग्जाम होगा। यहां पर आपका अर्थशास्त्र आ चुका है, जो कि पहले 28 जनवरी को होना था, अब यहां पर होगा। बाकी एज इट इज सेम है, कोई बदलाव नहीं है। भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, प्राणी शास्त्र, बाकी सबका सेम है। केवल 2 बदलाव है, एक तो इतिहास और होम साइंस, जो कि आपका सेकेंड चरण में होना था अब वो पहले चरण में होगा, और अर्थशास्त्र जो पहले चरण में होना था वो सेकेंड चरण में होगा। दूसरा एग्जाम डेट जो 26 मई थी वो बदल कर 2 जून कर दी गई है। जी हाँ, 2 जून को अब आपका सेकेंड चरण का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा। इसके अलावा आप देखेंगे और कोई बदलाव नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तीसरे चरण का एग्जाम वही 17 आपका नवंबर को दे रखा है, और कोई बदलाव नहीं है। वही आपके 20 सब्जेक्ट पहले भी थे, वही 20 सब्जेक्ट अभी भी हैं, और कोई बदलाव नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट है उन छात्रों के लिए, खासकर इतिहास, अर्थशास्त्र और बेसिकली होम साइंस वालों के लिए, क्योंकि यहां पर आपका डेट चेंज हो चुका है एग्जाम का। तो भैया, कम समय बचा है, अगर आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारा पेपर वन का ऑफर का आज लास्ट डेट है भैया। 599 रुपए में कोर्स मिल जाएगा। हिंदी मीडियम का नया बैच भी स्टार्ट हो चुका है, इंग्लिश मीडियम का नया बैच भी स्टार्ट हो चुका है। सेपरेट कोर्स आपको मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश मीडियम का, और बायलैंग्वल कोर्स भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है इसी कोर्स में, 599 रुपए में। ऑफर का आज लास्ट डेट है, कल से प्राइस बढ़ जाएंगे, तो जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें इंक्लूड मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप टेस्ट सीरीज अलग से लेने के इच्छुक हैं तो 199 रुपए में टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो दोस्तों, अपने साथियों से वीडियो शेयर कर दें जो आपके सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, खासकर इतिहास से, होम साइंस से, ताकि आपको अपडेट मिल जाए। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में ऐसी अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी अपडेट्स के लिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले मिल पाए। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।